ఇది ఏంటి మేడం ఓకే అంటే ఇది ఏంటి మేడం రుకరు రుకరు मैम इधर देखो मैम, रिद्धि जी यहाँ पे, रिद्धि जी रुकिए ना भाई, आगे बच्चा यार झूम करना रिद्धि जी ठंड लग रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू थैंक यू अरे आवाज में ठीक क्या चले अरे भाई स्क्रीनिंग है कितने एक्साइटेड हो आप एक्साइटेड हूँ मैं मतलब अलग अलग लॉट्स में यू नो दोस्त देख रहे हैं आज कास्ट एंड क्रू स्क्रीनिंग है सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट यू गाइस टू बी हियर सो हाई एवरीबडी थैंक यू फॉर बीइंग हियर दोबारा स्क्रीनिंग होने जा रही है किस तरह का रिस्पॉन्सेज मिल चुका है अभी तक आपको सो एक स्क्रीनिंग हो चुकी है जिसमें मैंने अपने दोस्तों को भी बुलाया था तो ऑनेस्टली आज मैं थोड़ी रिलीव्ड हूँ बिकॉज ऑल दो मेरा भाई आ रहा है वरुण भी आ रहा है आई थिंक सम पीपल आर कमिंग मेरी मासी आ रही हैं सो देर आर सम ऑफ माई पीपल ऑल्सो कमिंग सो आई डू बट आई एम यू नो एक बार काम कर लो तो यू फील लाइक ओके आई हैव डन माई वर्क एंड नाउ पीपल विल डिसाइड हाउ दे फील जी बिल्कुल लकड़बग्गा एक एनिमल लविंग विजिलांटे की कहानी है एक्चुअली एनिमल लवर की कहानी है जिसको यू नो जो भी लोग एनिमल से प्यार करते हैं वो जानते हैं दे कांट फेस एंड टॉलरेट इनजस्टिस डन टू एनिमल्स क्योंकि दे आर वॉइसलेस और ये उसी ऐसे ही एक इंसान की कहानी है जो एक एनिमल लविंग इंसान है और वो विजिलांटे बन जाता है अंडर द गिवन सर्कमस्टांसिस ऑफ द फिल्म यू नो अंशुमन परेश जो ब्लैक और वाइट हैं और मेरा कैरेक्टर है अक्षरा डिसूजा का जो ग्रे है एंड शी इज़ मोर लाइक यू नो लाइक ऑल ऑफ अस ये क्या बात कर रहे हैं और क्या हंस रहे हैं मुझे बहुत आई एम वेरी क्यूरियस मुझे भी हंसना है ओके सो या सो आई एम प्लेइंग अक्षरा डिसूजा इज अ क्राइम ब्रांच ऑफिसर एंड शी इज़ ग्रे एंड या आई होप आई हैव डन अ गुड जॉब क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी ऑडियंस से कि आपको कैसा प्यार मिलने वाला है कुछ तो बिकॉज ट्रेलर रिलीज हो गया है कमेंट्स भी ट्रेलर पे काफ़ी अच्छे मिले हैं तो वो देखकर आपके अंदर क्या कुछ आया कि हाँ कैसा आपको रिस्पांस मिलने वाला है आई थिंक मैं यही सोच रही हूँ कि मैंने अपना काम कर लिया है और ऑडियंस यू नो आप जब मेहनत करते हो और आप वेन यू गिव योर वर्क एवरीथिंग then your work will only speak for itself and that's what you want also ki kaam apne liye aapke liye baat kare so jaisa bhi kaam kiya hai I hope people in the industry and all of you and people watching it will like it that's all I can hope for fans ke liye koi message fans ke liye you know ye gaadi jaane dete hain ek second फैंस के लिए यू नो मेरी ये जो पूरी जर्नी रही है प्रमोशन के टाइम पे भी बहुत आई एम फीलिंग वेरी रेमिनिसेंट नॉस्टैल्जिक इमोशनल मुझे ऐसा लगता है कि यू नो देर आर सो मेनी गर्ल्स सो मेनी किड्स सो मेनी पीपल हु बीन विद मी काफ़ी सालों से बने हुए हैं तो मुझे लगता है उनकी और मेरी सेलिब्रेशन है ये कि मैं बड़े पर्दे पर आ रही हूँ एंड आई फील रियली गुड दैट मुझे बहुत हिम्मत मिलती है फ्रॉम द लव दैट दे गिव मी ओवर द इयर्स एंड आई फील समवेयर आई ओ इट टू देम कि यू नो आज मैं इंजॉय करूं और अपना बिग स्क्रीन पे आने का सेलिब्रेट करूं बिकॉज दे हैव बीन विद मी एंड दे वांट मी टू डू दिस यू नो हमेशा मुझे बोलते हैं यू डिज़र्व मोर सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल देम थैंक यू फॉर ऑलवेज बींग देयर विद मी एंड you know on days when I didn't believe in myself they believed in me so I want to thank them for that इसी के साथ ही रिद्धि आपका आज का जो लुक है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप ये मेरी पर्सनल जो मैंने कुछ साल पहले ली थी गोवा से और आई वॉन्टेड टू कीप आई थिंक मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ दैट आई एम रिलैक्सड एंड ईजी ऑल दो अंदर से नर्वस हूँ बट आई एम रिलैक्सड सो आई थॉट आई विल वेयर समथिंग ईजी एंड ब्लू इज दिस
ब्लू इज माई फेवरेट. हवाले ये खबर मिली है कि राखी सावंत ने शादी किया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दैट्स नॉट, इट्स नॉट माई लाइफ, आई हैव नथिंग टू से, बट कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन गेटिंग मैरिड. इसी के साथ ही रिधि, आज ट्रिपल आर जो मूवी है उसके सॉन्ग को नातू नातू उसको अवार्ड के लिए मतलब मिला है अवार्ड, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड मिलना ही था. I feel like Indian industry, hamari films, you know, we, there's nothing lacking in us. We just have to believe and be convinced with our storytelling and we can win over the world. So I hope there's more and more news like this and you know, we win across the globe. You know, just like our film, mujhe lagta hai ki ek French DOP hai hamare film mein, Belgium ke music composer hai, Ong Bak ke action director hai. So you know, it's like the world is small, like we are more closer than we think, and artists always like to collaborate and appreciate each other across the world. So it's a great thing for India, and I you know, want people ki aur support kare aur you know, hamari jaisi film ko aur RRR ko, taki more and more films reach out to the world. Isi ke sath mein aapko badi budget movie Pathaan ka trailer bhi launch ho chuka hai, aapne dekha, kitna enjoy kiya us movie ke bare mein, aapka kya kehna hai? I am a Shah Rukh Khan, he's love, so I loved it and I'm going now. Thank you so much. All the best. Beta ek hai tumhare. एक मिनट बस आप लोग अंदर. चलो मैम, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय बाय. एंड इन अरे नीचे बुला रहे यार, एक सेकंड इधर आ जाओ, चलेगा नीचे नीचे. वेट वेट, इन्हें ले ले, मैं तेरा ऑफ कर रहा हूं. उबरा जी नीचे आ जाइए ना. नहीं रुको, इधर रुक जा. उबरा जी रुको जरा. हां मेरा टाइम फिल चले माजो, मैं टाइम फिल कर रहा हूं. थैंक यू मैम. उबरा जी मोबाइल, बाय. अरे ब्राइट लेना है. तू तुझे नहीं पता है? अरे 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 क्यों नहीं बुलाया? फोटो दे इसको. अबे हेलो हेलो भाई, वो टेबल ले आऊं? आईना सिटी में आ गई है एंड एक्शन है, ड्रामा है, एंड माय डियर फ्रेंड परेश इज डूइंग रियली वेल. ही इज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, विलन का रोल कर रहा है. काफी अलग है, काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे काफी. तो बात जहां तक आईना की है, तो आपको कितना आईना से प्यार है? प्यार किसे होता है? आईना से किसी को नहीं होता प्यार, जानवरों से प्यार है. ऑफ कोर्स उनकी एक अपना एक जोन होता है. मुझे शेर पसंद है, हाइना मुझे इतना पसंद नहीं है, बट दिस इज़ गुड एंड दिस इज़ आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि क्या बनाया है, कैसे बनाया है. काफ़ी कुछ है इसमें. ओंग बक का उनके एक्शन डायरेक्टर है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट सीम्स इंटरेस्टिंग नाउ. तो ट्रेलर को आपने जहाँ तक देख लिया है, तो आपको क्या लग रहा है रिद्धि की जो एक्टिंग है इसमें, उन्होंने कॉप्स का रोल जो प्ले किया है, तो आपको क्या लग रहा है कि वो कितना खास होने वाला है? शी हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी गुड एक्टर एंड काफ़ी प्रूफ कर भी चुकी है टेलीविजन में, एंड शी इज़ नाउ इन टू फिल्म, विच इज़ अ रियली गुड थिंग, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि उन्होंने कैसा किया है. एंड आई होप कि ये फिल्म अच्छी चले, एंड आई विश देम अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस. यस,
ऊपर क्या कहना है आपका, जिस तरह की मूवीज आजकल आ रही है मीडिया लकड़ बग्गा सबके, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जानवरों का जमाना है, इंसानों का गया। तो वो समझ आ रहा है कि जानवर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उन पर बनाई जा रही है कि बिकॉज हमारे आसपास काफ़ी एनिमल लवर्स है, तो पीपल वांट टू सी अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, काफ़ी चीज़ें अलग हो गई हैं अब। तो आपको क्या लगता है, लकड़ बग्गा को कुत्ते भगा पाएंगे? कोई किसी को भगाएगा नहीं, सबका अपना अपना स्पेस है, सब उसे एंजॉय करने वाले हैं। जैसे कि आज सोशल मीडिया पे राखी सावंत की कुछ फोटोज वायरल हुई है जिसमें उनकी शादी का जिक्र किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये शादी? उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनकी शादी हो गई है, उनकी एक अच्छी लाइफ, एक नई जिंदगी उनको मिल गई है, एक आई होप आई विश कि उनकी ये मोस्ट हैप्पीएस्ट उनकी लाइफ स्टार्ट हो जाए, एक नई बिगनिंग है। एंड मैं ये विश भी करना चाहूँगा उनकी मम्मी ठीक हो जाए, मैंने देखा माँ से बढ़कर कोई नहीं होता, एंड आई विश हर गॉड स्पीड रिकवरी। साथ ही पठान का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, इंटरेस्टिंग, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है, दमदार है, शाहरुख सर वापस आए एंड ही हैज कम विद अ बैंग, एंड वापस किया, वो हमेशा से यही थे, एंड दिस पठान इज लुकिंग ट्रिमेंडस, एंड उनके एडिटर मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो आरिफ भाई उन्होंने काफ़ी अच्छा चल रहा है, अभी भी चल रही है एडिटिंग, तो बहुत अच्छा है, देखने का मौका मिल रहा है इतने टाइम बाद शाहरुख सर को, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इसी के साथ ही ट्रिपल आर के सॉन्ग को नाथू नाथू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से नवाजा गया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? This is the moment for all the Indian cinema because we are a part of Indian cinema and we have won a global award. I think this is a very proud moment for me because we are a part of Indian cinema and they are taking it to international level. I'm really happy. I'm really looking forward to it. कि ऐसे और हमें awards मिलते रहे, अभी Academy Awards भी आ रहे हैं, उसमें भी हम जीते। जैसे कि 2023 आ गया है, तो आपके upcoming projects में क्या-क्या आने वाला है, मतलब pipeline में क्या कुछ तैयार है? बहुत जल्दी उसके अनाउंसमेंट करने वाले हैं हम, 2-3 महीने में, बहुत जल्दी, अभी सब कुछ प्री प्रोडक्शन में है, जैसी चीज़ें लाइन पे आएंगी आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी, लेकिन आई एम श्योर कि बहुत आपको पसंद आएंगी, जैसे मेरे बाकी प्रोजेक्ट आपको पसंद आए हैं, एंड इट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रोल विच आई हैव प्लेड सो फार। मैं बिल्कुल नहीं करता फॉलो। थैंक यू सो मच। लकड़ बग्गा की दोबारा स्क्रीनिंग जी, किस तरह का रिस्पांस मिला है अभी तक आपकी? अभी तक तो सब पॉजिटिव है। टेक्निकली इंडिया में जमाक सेल्वा जिन्होंने शूट की है, केचा कम्फक्टे जिन्होंने स्टंट किया है, सिमो फ्रांसक्वेट जिनका म्यूज़िक है, इन लोगों ने पहले ज़्यादा काम नहीं किया है, तो ऑडियंस के लिए भी एक नया, टेक्निकली ये फिल्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आई होप वो लोगों को भाई, एक्शन बहुत ज़्यादा है और जानवरों के बारे में है, तो आई होप इट अपील्स टू एवरीवन। जहाँ तक हमने सुना है अब्रॉड के भी क्रू है इसमें, तो उनका काम लोगों को किस तरह का लगा? जी अब्रॉड के क्रू हैं, उनका क्या है, वो जैसे मैं जब न्यूयॉर्क जाता हूँ तो मुझे वहाँ का गटर भी पसंद है, जब मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ तो मुझे वहाँ का गटर भी सुंदर लगता है, तो जमाक सेल्वा जो फ्रेंच डीपी हैं, उनको कलकत्ता इसलिए हम लेके आए कि वो जो चीज़ कलकत्ता में देखेंगे वो इंडियंस को नहीं दिखाई देगी, सो इसीलिए जमाक ने शूट की है। सिमो का म्यूज़िक ऑडियो स्केप जो है बहुत अलग है साउंड का, एंड ऑफ कोर्स स्टंट्स, केचा सर, ओंगबाक इज़ अ कल्ट फिल्म, तो बहुत मन था हमारा कि एक्शन ऐसा हो जिसको दिल्ली में घुसंडबाजी बोलते हैं, कुटाई, वैसा एक्शन है इस फिल्म में, और सब असली है, मतलब कोई बॉडी डबल नहीं, कोई वायर वर्क नहीं, कोई हवा में धीरे धीरे उड़ना नहीं, कोई धूल धड़ाका नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी कुटाई। जैसे कि आज की स्क्रीनिंग के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं आप भी और आपके और बाकी के भी कोस्टार्स, तो कौन कौन आज आने वाला है? बहुत ढेर सारे दोस्त हैं यहाँ, आई थिंक रिधि मेरे और परेश के और मिलिंद सर के बहुत दोस्त आ रहे हैं, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि अब हमारे दोस्त फिल्म देख रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट और खुशी हुई जब मिलिंद सर की मम्मी ने फिल्म देखी परसों, और नॉन फिल्म इंडस्ट्री वालों ने देखी परसों, उनको बहुत अच्छी लगी, और वो असली लिटमस टेस्ट होता है किसी फिल्म का, तो हम आशा करते हैं कि लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी। फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? अगर आपको जानवर पसंद है ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए, बिकॉज इट्स अबाउट एन एनिमल लवर। विजिलांटे दुनिया की पहली पिक्चर है जो विजिलांटे जानवरों के लिए है, बैटमैन, सुपरमैन, आयरन मैन सब इंसानों के लिए लड़ते हैं, ये लड़का अर्जुन बख्शी जानवरों के लिए लड़ता है, और अगर आपको जानवर पसंद नहीं है तो ये फिल्म देख के आपको जानवर पसंद आने लगेंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, तो आप प्लीज़ 13 जनवरी से ये फिल्म देखिए, और इससे पहले कि मौसम ख़राब हो 25 को लकड़बग्गा देख लीजिए। थैंक यू। सो आप आ गए हो,
कैमरा लुका ऐसे मेरी वीडियो ला ऐसे अरे ऐसा नहीं हो जाएगा अबे उन लोग इधर इधर दूंगा भाई इसका आज आ गए हो आप लकड़बग्गा देखने कितने एक्साइटेड हो आप क्या आपने ट्रेलर देखा है इसके बारे में जानना चाहेंगे यस मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसमें बहुत स्पेशल लोग हैं मेरा जो पहला गाना था ठग रांझा उसमें परेश जो इस मूवी में है वो थे एंड वो इस मूवी में है ऑब्वियसली आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हिम एंड मिलिंद सोमन जो मेरे लास्ट वीडियो में थे तो इट्स लाइक इट्स ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स एंड बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तो मैं अपनी फ्रेंड जैस्मिन को भी लेके आई हूँ ये देखने के लिए एंड आई थिंक दिस इज इनका पहला स्क्रीनिंग इन काइंड ऑफ इन बॉम्बे बट या वेरी वेरी एक्साइटेड सो जो मूवी है बेसिकली वो एनिमल लवर्स के लिए है तो आप कितना एनिमल से मतलब आपको प्यार है आई थिंक इन्हें गड्डी के पिछे ना बहुत सारा डॉग फूड ते कैट फूड रखे हुआ जिथे असी लेट जाने हर जगह ते कदे कुत्ते नु खवान लग पैंदी रोटी कदे बिल्लियां नु खवान लग पैंदी है सो दिस इज हाउ मच शी लव्स एनिमल्स मोर देन ह्यूमंस आई वाज जस्ट अबाउट जो भी मुझे जानते हैं वो पता है मुझे इंसानों से थोड़ा सा ज्यादा प्यार जानवरों के साथ ऐसे थोड़ी बोलते हैं सब सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है सबकी बहुत अभी एक्चुअली मैं एक्साइटेड हूँ ट्रेलर देख के इतना कूल ट्रेलर था दैट आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड एक स्क्रीनिंग मैंने मिस कर दी थी तो आई मेड श्योर टू मेक इट हियर एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर एवरी वन सब ने बहुत अच्छा काम किया है सब ने हाँ जी यार आप ये क्यों हमेशा पूछते हो मैं नहीं फॉलो करती यार ऐसे हमेशा मेरी पोल खोल देते हो मुझे अब्दू बहुत पसंद है सबसे क्यूट पटना के साथ ही राखी सावंत जो है उनके कुछ फोटोज जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुए कि उन्होंने शादी कर लिया है वेरी हैप्पी फॉर हर लव राखी एंड आई एम ग्लैड उनका प्यार सक्सेसफुल हुआ एंड थैंक यू सो मच आई एम वेरी एक्साइटेड सब लोग जाके ये पिक्चर देखो लक्कड़बग्गा एंड ओके बाय थैंक यू लक्कड़बग्गा की स्क्रीनिंग पर तो कैसा क्या फील हो रहा है और कितना एक्साइटेड हुआ विजिलांटे फिल्म है एनिमल्स पे भी है तो दो मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं ये उसके ऊपर परेश पहुजा है जो मेरे साथ तांडव में थे तो आई हैव टू शो सपोर्ट एंड वो एक फिनोमिनल एक्टर हैं तो मैं देखना चाहती हूँ कि वो नेगेटिव रोल में एज एन एंटागनिस्ट वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज इस फिल्म में बट या वेरी एक्साइटेड व्हिच इज़ व्हाई आई एम इन पिंक जैसे कि आपने ट्रेलर देखा होगा उसमें रिद्धि का जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो काफ़ी दमदार है तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप मज़ा आ गया वो ट्रेलर देख के जहाँ रिद्धि अपना एक्शन कर रही है इट्स आई थिंक इट्स अ ड्रीम रोल फॉर एनी वुमन एक्ट्रेस टुडे टू हैव एन एक्शन रोल टू डू एंड आई थिंक रिद्धि इज अ राइट पर्सन फॉर इट सो बेसिकली मूवी इज अबाउट हाइना सो आपको क्या लगता है जिस हिसाब से मूवी में दिखा रहा है अगर रियल लाइफ में आपके सामने हाइना है तो आप उसे कितना प्यार दिखा सकोगे मैं एकदम प्यार नहीं दिखाऊंगी मैं सीधा यू टर्न लेके अगर भाग सकती हूँ तो भागूंगी लेकिन हाँ दूर से उसकी तरह हंसने की कोशिश करूँगी बिकॉज लोग कहते हैं कि मेरा लाफ्टर भी एक हाइना की तरह ही है सो कुछ तो शायद कॉमन हमें मिल जाए हाइना और मुझे इसी के साथ ही पठान ट्रेलर रिलीज हुआ है क्या आपने देखा है और अगर देखा है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप शाहरुख खान लुक्स सो गुड ही लुक्स सो गुड इतने हॉट लग रहे हैं उस फिल्म में एंड आई थिंक ये पहली बार उनकी बॉडी इस अवतार में देखने को मिल रही है एंड इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू गेट अ बॉडी लाइक दैट एंड ऑफ कोर्स दीपिका लुक्स ब्यूटीफुल एज यूजुअल आई कांट वेट आई थिंक आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड द कास्ट लुक्स ऑसम द ट्रेलर लुक्स ऑसम और जो जिस तरह वो उड़ रहे हैं वो सब हो रहा है ना आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट फिल्म आल्सो थैंक यू कि मेरे काफ़ी सारे दोस्त इन्वॉल्व हैं इसमें तो आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द फिल्म ट्रेलर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और तो मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब इस वक्त एक्साइटमेंट से ज़्यादा खुशी है क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं अंशुमन ने एक्ट किया है प्रोड्यूस की है फिल्म विक्टर बैनर्जी विक्टर जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं आलोक शर्मा जिन्होंने लिखी है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं देन परेश पाहुजा हैं रिद्धि डोगरा है सब मेरे बहुत प्यारे प्यारे मित्र इसमें इन्वॉल्व हैं तो मतलब देखना ही देखना है जैसे कि आपने फिल्म एनिमल स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर है जी एनिमल लवर्स के ऊपर है तो क्या कहना चाहिए ये मैं मतलब मुझे आई लव एनिमल्स मेरे घर पे दो कैट्स हैं तो ये एक और स्पेशल चीज़ है इस फिल्म की जो मतलब जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो किस तरीके से दिखाया गया है और जो एनिमल क्रुएल्टी है वो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मैं उसके सख्त खिलाफ़ हूँ और बस ये बहुत अच्छा मैसेज तो फिल्म ऑलरेडी दे रही है तो आई होप कि फिल्म
कमाल होगी। ट्रेलर आपने देखा होगा जी, ट्रेलर तुम ट्रेलर मुझे बहुत कमाल लगा, और अंशुमन ने जिस तरीके से तैयारी की है इस रोल के लिए वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है, और रिद्धि तो हमेशा ही बहुत कमाल करती है, और ट्रेलर में मतलब दोनों की पेयरिंग भी काफ़ी फ्रेश लगी। परेश भी जितना नज़र आया वो बहुत बढ़िया लग रहा है, मिलिन साहब बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, टाइम तो मतलब थ्रिल्ड। सो हाल ही में अभी शाहरुख खान की फिल्म पठान का भी ट्रेलर रिलीज हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमाल, पठान का ट्रेलर में बहुत ही ज़बरदस्त है, और जिस दिन वो रिलीज़ हो रही है 25 जनवरी मेरा बर्थडे है, तो मैं अपना बर्थडे जो है पठान देख के सेलिब्रेट करने वाला हूँ। और मेरी मिशन मजनू 20 तारीख को आ रही है नेटफ्लिक्स पे, उस दिन मेरी वाइफ का बर्थडे है। अरे सर उसके बारे में मैं तो कहूँगा कि वो जो बॉयकॉट ट्रेंड है वो छोटा है, और जो प्यार करने वाला जो ट्रेंड है वो ज़्यादा बड़ा है, और वो मतलब वो फिल्म को ज़रूर देखने जाएगा, और मतलब जनता जो है वो एकदम क्या कहते हैं भारी मात्रा में मुझे लगता है सिनेमा हॉल्स में जाएगी पठान देखने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे यकीन भी है कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा इधर घूम जाइए, इसे टर्न हो जाइए थोड़ा। हाँ हाँ हो गया ये सबका, देख लो देख लो। चलो मैम आज ये बाइट करते हैं, मैम थोड़ा सा बाइट कर लेते हैं। और अगर देखा है तो आपको सबसे अच्छा क्या पसंद आया है? मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रेलर, आई थिंक द एक्शन सीक्वेंसेस आर फैब, एंड सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लक्कड़ वगैरह ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, सो मैं एक्साइटेड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो रिद्धि को पॉप्स के कैरेक्टर में देखकर आपको कैसा लगा? अरे रिद्धि इज लुकिंग फैब, एवरीवन आई एम सेइंग इवन परेश इज लुकिंग सो गुड एंड द हीरोज लुकिंग सो गुड, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्चुअली वॉचिंग दिस फिल्म। मुझे डॉग्स बहुत पसंद है, बट लक्कड़ वगैरह इज नॉट अ डॉग, इट्स अ हाइना, या इट्स हाइना, सो आई मीन आई लव ऑल एनिमल्स, आई लव डॉग्स एस्पेशली। सो इसी के साथ ही शाहरुख खान की मूवी का पठान का ट्रेलर रिलीज हुआ है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपने ट्रेलर देखा है? दोनों हॉट लग रहे हैं, दीपिका भी हॉट लग रही है, शाहरुख खान भी बहुत हॉट लग रहे हैं, रोशन तो वैसे ही हॉट है, बट आई थिंक बोथ ऑफ देम लुकिंग रियली रियली हॉट एंड आई लव दैट सॉन्ग। सो इफ यू टॉक अबाउट द सॉन्ग्स, तो सॉन्ग भी रिलीज हुए हैं, उस पर क्या कहना है आपका? क्या आपने सॉन्ग देखा है? बट है लोगों के एक से बढ़कर एक हॉट रील्स, आई थिंक यू नो टू मैच अप टू बोथ ऑफ देयर लुक्स एंड सेक्सीनेस इन दैट वीडियो इज इम्पॉसिबल फॉर एवरीवन्स ट्राइंग। इसी के साथ ही राखी सावंत की शादी की फोटोज जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है, तो राखी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो क्या कुछ लेकर आ रहे हैं आप? जी बिल्कुल, होपफुली इस साल मेरी फिल्म डिस्पोजर्स रिलीज होती है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, एंड मेरे देश के लिए भी अभिमान है, इट्स अ सुपर फिल्म। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, आ जाइए ऊपर।